हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं और मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम आज कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो भी न्यू वीडियो मैं लगाऊं उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। और इसके अलावा जी, आज सुबह सुबह हम फिर कमरे में ऊपर आ चुके हैं गाड़ियों के लिए, और ये सामान हर जगह गाड़ियां ढूंढ रहा है और इसको नहीं पता कि गाड़ियां जो है वो यहाँ से उठा दी है। ये हम मामा को आवाज़ लगा रहा है, मामा वो बैठी हुई है और वहां से जी अपना धनिया और पुदीना जो है ना वो उतार रही है। अभी पास चलते हैं उनके, चलो आओ मैं लेके चलूँ नानू पास। ये जी मामा मेरी का छोटा सा जो बगीचा, इसमें से ये धनिया और पुदीना। मामा ये तो खाली पुदीना ही है, धनिया कहाँ गया? और दूसरे गमले से लाना। अच्छा, अभी लगाना है पुदीना है अभी। सॉरी माई मिस्टेक। हाँ जी आ गया, लेकिन फिर भी अभी ऊपर ही जा रहा है। और क्या कहते हैं उसको, अभी हमने ना वो हद धोया ना कुछ किया, बस जी आ गए हैं ऊपर। बस इसके पापा को ब्रेकफास्ट करवाया, वो काम पर चले गए अपनी ड्यूटी पर, और ये जनाब गाड़ियों के पीछे भाग रहे। अब सुकून हो गया, ऊपर नहीं मिली तो गिर जाओगे। ये जनाब को मैंने ना चूड़ी बना के दी है। एक्चुअली रोटी मैंने बनाई है और चीज़ वगैरह मैंने पकड़ाई, चूड़ी मैंने मामा से बनवाई है क्योंकि मैं साबर के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी, तो ये मामा ने इसको बना कर दी है और थोड़ी बहुत खा रहा है। चलो शुक्र है क्योंकि दूध तो ये आजकल पी नहीं रहा। पूरी रात गुजर गई और पूरी रात में इस बच्चे ने सिर्फ एक फीटी बाँ मुश्किल पी है क्योंकि मोशन लगे हुए हैं, दाड़े लगा रहा है, उस वजह से खा पी नहीं रहा, इसीलिए ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा। और शरारतें चेक करो हमारी। चलो चलो ये, और फिर जो भी चोट लग रही है मामा, लेकिन जब मामा ने मना करना हमने बाज नहीं आना है ना सामान। ये मैंने दरवाजा लगा दिया क्योंकि ये बार बार भाग के बाहर जा रहा है स्टेयर्स में, उस वजह से। आज जो है ना हमारी चलेगी जी सुबह 8 बजे लाइट, और फिर उसके बाद आई है 12:15, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर चलेगी, और फिर इसी तरह से जी आज का दिन जो है गर्मी में गुजर गया क्योंकि हमारा जो यूपीएस है वो भी जवाब दे चुका, वो उस पर यानी कि हम एक आधी लाइट चला सकते हैं वरना पंखे भी नहीं हमारे चलते, वाईफाई भी नहीं चलता। हाँ न्यू है, न्यू है सारा। और इस वजह से ना आज का पूरा दिन भी हमारा गर्मी में गुजर गया। फिर उसके बाद मामा और कोमल ने डिसाइड किया मार्केट से हुआ है, तो ये मार्केट से होके आए हैं घर के लिए थोड़ा बहुत सामान लेकर आए हैं, जिसमें जी ये है सबसे पहले ये मैट लाए हैं छोटू सा, उसके अलावा जी ये ग्लासेस, और ये ग्लासेस भी इसलिए आए हैं प्लास्टिक के क्योंकि शीशे के भी घर में शुक्र है अल्लाह का काफी है, और स्टील के भी है लेकिन बच्चे ना स्टील के छोड़ते हैं ना शीशे के छोड़ते हैं इस वजह से। और इसके अलावा जी ये फ्राइज वगैरह के लिए आया, ये दो ये बेल्ट किस लिए? अच्छा छोटों की है ये कपड़े धोने के टूट गया था। हाँ ये कोमल है, ये एक बाउल है, और उसके अलावा जी ये बच्चों के पॉपकॉर्न खत्म हो गए थे वो आए हैं, ये दो कैचर लाई है, और इसके अलावा ये इसमें जी नाले हैं, नाले भी दिखा दो, नाले हैं नाले ही हैं फिलहाल और तो कुछ नहीं है। यस ये है जी नाले, ये छोटी सी छोटी है जो मामा और कोमल मार्केट जाके तो कर आई है, और ये मेरा चूजा देखो, ये मेरा बेटा इतना वीक हो गया होगा, इसके ना मोशन जो है बोर लगे हुए हैं, ओ आर एस ही नहीं पीता, इसको जबरदस्ती बना के पिलाया, जबरदस्ती करनी पड़ेगी क्योंकि वीक बहुत हो रहा है। ये जी पुदीना, ये मेरी मामा के खुद के बाहर का नहीं कह सकते, मेरी मामा के खुद के गमले का पुदीना जी, ये सुबह उन्होंने उतारा, उसके बाद धूप अच्छी खासी थी, जाहिर बात है समर है तो ये अच्छे से ड्राई हो गया, ये
तो ये उन्होंने अभी कोमल ने ना उतार कर तो इसको जी यहाँ पर रख दिया। इसके बाद इसको स्टोर कर लेंगे। मेरा सामान ना फिलहाल कुछ खा पी नहीं रहा, तो इसके लिए ना मैं सोच रही हूँ कि फ्राइज बना लूँ। और इसके लिए बनाऊंगी तो दाहली बात है, छोटे बच्चे हमारे दूसरे भी हैं। तो कोमल का कहना है जी सारे ही बना लो, और इसका दिमाग खराब हो गया बहुत ज्यादा। इनमें से थोड़े से कम करते हैं फिर करते हैं, जस्ट इग्नोर। हाँ ये मैस जानी के मशीन लगी हुई थी, साथ में लाइट भी नहीं, इस वजह से गंद बिखरा पड़ा। और ये भी मामा ही लाई हैं आते वक्त, खरबूजे और स्ट्रॉबेरी। मैंने ना पटाटो जो है वो फ्रेंच फ्राइज के लिए निकाले हैं, ये मैंने निकाली हैं और ये मैंने रख दी हैं। और ये मेरे बेबी ने ना सारे बखेर दिए थे, जो एक था खैर उठा लाया वो भी, और तो कहीं पर नहीं, नहीं कहीं पर नहीं है। तो अभी जो है ना इनको वाश नहीं, पहले इनको मैं छील लेती हूँ, उसके बाद आगे बाकी का जो प्रोसेस है वो करेंगे स्टार्ट। ओके सवान फ्रेंच फ्राइज खाएगा। यस मामा आ रही हैं, कोमल नहीं है बाहर गई है। अली कोमल रहीला और बच्चे और पापा गए हैं जी पार्क। अभी मामा मैं सुभान और नाना वो आए हुए हैं हम घर पर हैं। ये फिर से लग गया बखेर। नो बेटा डोंट डू दिश। सुभान शुभू जी डोंट डू दिश। ये जी आलू जो है मैंने छीनी है, और अभी इनको ना करते हैं वाश और पानी में डिप कर देते हैं। आलू डिप इसलिए अभी कर देंगे क्योंकि कैमरा मैन हमारी जो है ना अभी वो बाहर है, वो आले फिर वो इसको होल्ड करेगी तो ज़ाहिर बात है फिर ही आगे का मैं प्रोसेस कर पाऊंगी, क्योंकि कैमरा हाथ में पकड़ कर तो फ्राइज वगैरह जो है फ्रेंच फ्राइज बना रही हूँ वो नहीं पॉसिबल। तो इस वजह से किसी ना किसी को पकड़ाना पड़ेगा। सो वेट कर रही हूँ मैं अभी कोमल का। अच्छा जी तो अभी ना क्या कहते हैं उसको हाफ का जो है मैं लगा के फ्लोर फ्राई करूँगी, और हाफ जो है उनको मैदा लगा के फ्राई करूँगी। आज मैं दो तरह से बना रही हूँ, और क्या कहते हैं उसको बच्चे जो है बच्चों ने खानी है इसलिए उनके अंदर कुछ नहीं डालूंगी, उनको सिर्फ ऐसे ही देंगे सिंपल वाली, क्योंकि बच्चों के लिए बड़ों के लिए नहीं। अगर बड़ों के लिए होती तो इसमें स्पाइस वगैरह हम मिक्स कर लेते। अभी ना इसमें से मैं आधे आलू लेके इसमें कर लेती हूँ, काट लेती हूँ। उसके बाद जो है ना क्या कहते हैं उनको मैं लगा देती हूँ कॉर्नफ्लोर, और पहले कॉर्नफ्लोर लगा लेती हूँ और फिर दूसरी भी कर लेती हूँ उनको मैं मैदा लगा लूँ, हाफ हाफ करके फ्राई कर लेंगे। ये इस तरह से कट कर लेते हैं इस तरह से। ओके ये मैंने ना कट कर ली है हाफ, और वो हाफ अभी पड़ी हुई है उनको मैं अभी टच नहीं कर रही, अभी ये ली है। और अभी बर्तन ये छोटा तो इसको इसमें ट्रांसफर करते हैं यूं। और अभी ये सबसे पहले मैदे वाली बनाएंगे। ये अभी ना इसको मैंने वो छाननी ली है, उससे इसको छान लेते हैं, इसको ऊपर ही छान लेते हैं। हाँ वो सही रहेगा अलग अलग करने से, अलग अलग से बेहतर। ये पकड़ो जरा, ये आटे वाली है। हाँ, तो कोई बात नहीं आटे वाली है तो नहीं, मैं बता रही हूँ बाद में देख लेते हैं। ब्रो आपने करना है, ये पकड़ो थोड़ा सा और लेते हैं। देखो मेरी सारे ही खा रहे। हाँ जी ऐसी प्राइज खानी है। कंचड़ी किसी ने मांगी है जी? नहीं। हाँ जी तो फिर देना तो हमारा फर्ज है ना, क्यों भाई। अच्छा जी इस तरह से। अच्छा आप ना खाना फ्राइज। अच्छा जी फ्राइज फ्रेंच फ्राइज फ्रेंच फ्राइज फ्रेंच फ्राइज। ये आलू ज्यादा मोटे नहीं है, ये तो फ्रेंच है। ये कमेंट्री दे रहे हैं साबर भाई। वो बोलने के ऐसे ही होते हैं, ऐसे कैसे होते हैं, ये अपने हिसाब लाओ दो में फीडिंग थोड़ा। नहीं नहीं
हल्की सी सिर्फ कोटिंग दी है कि सिर्फ वो क्रिस्पी हो, ज्यादा नहीं लगाया। मैदा मस्जिद में लाल करा करवा सकते हैं। ये मैंने घी डाल के रख दिया फिलहाल कढ़ाई में ऊपर। अभी ये थोड़ा सा हो ले गरम। और इसके अलावा जी ये यहाँ पर स्ट्रॉबेरी कट भी हो रही है और खाई भी जा रही है। ओके जी, अब इसमें जाएंगे फ्राई। डाल के चेक किया था घी गरम हो गया अच्छे से, इस वजह से एक डाल के फ्राई की। अब ये बाकी डालते हैं और फिर इनको अच्छे से फ्राई करना है। यस। और मेरा यहाँ पे आधा काम हुआ है, आधा अभी रहता है, तो इसीलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारे फ्राइज जो है ना ये डन हो गई है बिल्कुल कुरकुरी, इनको इस तरह से निकाल लेते हैं। कुड़ी बनी है ना, लो खा के दसो। ओ ते पागल है ना, यमी लेकिन बच्चों के हिसाब से फीकी है ना, हमारे हिसाब से फीकी है। मैंने खानी है लेकिन बनी मजे की कुड़ी, बिस्मिल्लाह ना खानी है। ये बाकी मैं अब सारी डालने लगी हूँ बच्चे की और इनको लगा लेंगे। इसके बाद ये आलू भी जो है ना मैंने दूर से जो बचे थे ये भी काट के रख लिए। पापे को पता ही नहीं है, वो बाहर गई हैं और उनके फ्रिज में खा चुकी हूँ। ये भी डन हो गई है, इनको भी निकाल देंगे। और ये चेक करें पहले वाली, खराब चीज बन जाए तो कोई मुंह नहीं लगाता और अच्छी चीज बन गई है तो कोई छोड़ता नहीं। ये छोड़िया ही अभी मैंने कहा वेट कर लो। ऐसी चीजों का सबर किसी में भी नहीं होता। मैं जाना है फिर वीडियो बना लेना। लड़ झगड़ के मिल गई है। ये देख फेस चेक करो। अब नेक्स्ट और ये बारी है इनकी, मैं वीडियो स्टार्ट करना भूल गई। और ये पापा वेट पे लगे हुए हैं, कभी ये फ्री हो और कभी ये स्नैक का वो लगा के दे इनको। अच्छा इसका बाद में लगा, ये अकाउंट पापा को इन्होंने लगा के दिए है ना। स्नैक चार्ट मेरे ख्याल एदा भी लगा नाला ही, ये कैप कार्ड का भी लगना लगा देते हैं। मम्मा आई वन सेकंड। अच्छा अभी ये कॉर्नफ्लोर डाल रही है यार। ओला लाई केड़ा पिछे लाया सी केड़ा ऑटोमेटिक तस्वीर सेफ हो जांदी। ये साबर ला लाएगा। अच्छा पापा ये इधर पढ़ रही है अली भाई को गालियां। कुछ नहीं होता आगे शर्ट है। अच्छा जी ये हमारा हो गया डन। ये भी अब इनको भी डाल देते हैं, ये इधर करते हैं क्योंकि वेट आराम से हो नहीं रहा, इससे बेहतर है फटाफट कर लो। और अभी जब आएंगे ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ी सी और डाल देती हूँ बाकी बाद में डल जाएंगे। आई थिंक सारी डल जाएंगी। नहीं नहीं फिर अच्छे से नहीं होती, ये बाद में डाल लेंगे थोड़ी सी। ओके ये डांस हो रहा है फ्रेंच फ्राइज के लिए। जानू से पूछो, जानू क्या चाहिए? फ्रेंच फ्राइज। फ्राई हो रही है, फिर मिलाएंगे। पहले फिनिश हो गई ये फ्राई हो रही। आपके पापा ने खा ली, ये देखो अभी हो रही है ना, फिर आपको मिलेंगी। ये बच्चों से सबर नहीं हो रहा, वो जंप यकीन नहीं आ रहा है। आओ जंप करवाओ, वो देखो अभी हो रही है फ्राई। ये देखो फ्राई हो रही है, ये इस बच्चे को यकीन नहीं आ रहा तो ये जंप करके चेक कर रहा। ये जी हमारी डन हो गई है, ये भी इससे ज्यादा करेंगे ना तो ये जल जाएंगी। इनको अब निकाल लेंगे और जो वो बाकी बच्चियां उनको भी फ्राई करवाएंगे। ओके जी ये वाली भी निकाल लेंगे। ये आप ऑयल का हशर देख रहे हैं? यस देख लेंगे। ये
और ये भी आ गई हैं। अभी इसको जरा ना 2 मिनट में रखती हूँ, फिर उसमें ट्रांसफर कर दूंगी। गर्म है ना अभी, तो थोड़ी देर रुक के इसका चूल्हा ऑफ कर दें। हाँ फ्लेम कर दे। ये घी दोबारा से दिखाना जरा। ओके जी, तो ये हमारी जो है फर्स्ट है जो हमने बनाई थी मैदे के साथ, ये हमारी सेकंड वाली फ्रेंच फ्राइज है जो हमने बनाई कॉर्नफ्लोर के साथ। और मुझे ना स्ट्रीट फूड ट्राई करने का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन मैं कुकिंग करती नहीं हूँ जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो उस वजह से आज ये मैंने बनाई भी, वैसे फर्स्ट टाइम ही है शायद लाइफ में, इससे पहले मैंने कभी भी नहीं बनाई। लेकिन मुझे जब भी था मुझे ये था कि मैं ट्राई करूंगी, बाजार वाली इतनी प्यारी होती है किस तरह बनती है, तो इसलिए मैंने कहा लगे हाथ दो ना ट्राई कर लो, जो बेहतर होगी पता चल जाएगा। सो ये वाली जो है ना बिना नमक के भी और बिना क्या कहते हैं कुछ भी लगाए, ये इतनी ज्यादा अच्छी बनी है ना कि ऐसा लग रहा है कि नमक ऑलरेडी मौजूद है, और बिना केचप के भी अच्छी बनी है, और सेम बाजार जैसी कुरकुरी। और जाहिर बात है जब पड़ी रहती है तो वो सॉफ्ट हो जाती है। तो ये जो है ना इट्स अ बिग नो, ये तो आप ट्राई भी ना करना। तो इसने ना ये घी का हाल देखो, एक तो घी का हाल क्या किया, और दूसरा ऐसा लग रहा है जैसे मोटी सी इसकी लेयर हो, और हल्का सा कड़वा टेस्ट है, हल्का सा कड़वा टेस्ट है। मुझे खैर नहीं लगा, लेकिन इसका टेस्ट टोटली डिफरेंट और जरा भी मजेदार नहीं। पर ये जो है ना मैदे वाली, यकीन जानो जो आप बाजार से फ्राइज लेकर आते हैं ना सेम वैसी बनी है, और ये आप ट्राई करोगे तो इंशाल्लाह ताला दुआओं में जरूर याद रखोगे। तो जब भी ट्राई करें आप तो ये मैदे वाली करना, कौन फ्लोर वाली ना करना, अगर आपने करके ट्राई करना हो तो आप कर सकते। अब कोमल जो है वो सर्विंग करेगी। ओके जी, तो अभी जो है वो सीन ये है कि मामा को, कोमल को और मुझे, हम लोगों को ये पसंद आए हैं चिप्स, क्या कहते हैं मैदे वाली, और बाकी सब जो है उनको अली, बाकी सबसे मुराद यानी कि अली रहीला नहीं, पापा ने सच खाई नहीं, एक उन्होंने पीस लिया था और वो भी मैदे वाली का, और क्या कहते हैं पापा नहीं सॉरी रहीला अली और सागर, हाँ इन तीनों को दोनों ही पसंद आएंगे। तो आप दोनों भी ट्राई कर सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है, और हो सकता है आपको टेस्ट उसका पसंद आए, लेकिन मुझे पर्सनली जो मैदे वाली बनाई हैं वो पसंद आई हैं। तो आप दोनों भी ट्राई कर सकते हो, और जो मैंने सजेस्ट किया वो भी ट्राई कर सकते हो। और इसके अलावा जी आज का जो व्लॉग था वो सिर्फ बच्चों के लिए था, बच्चों के लिए मैंने बनाई थी, और वैसे भी मैंने ट्राई करनी थी इस वजह से। तो इसके अलावा जी आज का जो व्लॉग है ना वो यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं, वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो भी न्यू वीडियो मैं लगाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।